तो भाई आज हम घूमेंगे सेविला, और सेविला का है वाटर पार्क और उसके साथ है जी अम्यूजमेंट पार्क। तो दोनों का एक साथ विजिट करेंगे, दोनों एक साथ ही हैं, और देखेंगे कि ये पार्क जो स्पेन का सबसे बड़ा वाटर पार्क और राइड पार्क कहलाता है कि वाटर पार्क से कितना बेहतर है। तो ये दो टिकट लिए हैं हमने, एक है जी इनका जो राइड्स पार्क है एक्वा मैजिका का, और दूसरा है जी जनरल वन डिया इस्ला मैजिका और एक्वा मैजिका। ये दो टिकट्स लिए हमने और हमें ये 33 यूरो के ऑनलाइन पे पड़े हैं। तो भाई एक्वा मैजिका में चलते हैं। चले जी अभी अंदर जा रहे हैं, आ जाए जी। और ये पास मिल गया, ये टिकट होते हैं, ये दो हैं इनके पास, एक्वा बीच भी है और एक्वा राइड वगैरह कुछ है, इस तरीके का नाम है दो। तो ये दो जगहों के हमने पास ले लिया और अंदर चल के देखते हैं कि कितना मज़ा आता है। एक वर्किंग डे के बावजूद रश अच्छा खासा है यहाँ, खासतौर पर जो बच्चे हैं ना स्कूल्स गोइंग, उनकी बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। ये देखें भाई, ये करतब वगरतब दिखा रहे हैं स्पेनिश के अंदर। तेजी के साथ ऊपर लेके जाएगी, तेजी के साथ नीचे लेकर आएगी, चीखे निकलेंगी लोग ऐसे करके। और हम बस तैयार हैं, बस रेडी हैं। 1 2 एंड इट गोज डाउन। जाएगा बहुत तेजी के साथ नीचे। इलाके के माहौल देखें भाई, ये चीखे निकलना शुरू हो गई भाई। मज़ा आया। और जो डिज्नीलैंड था या वॉर्नर पार्क था वहाँ मना नहीं सके, तो यहाँ मज़ा आया। जो बीच है उसमें आखिर में जाएंगे, उसकी वजह ये है कि पहले जब तक सूखे हुए हैं ना सारे वो राइड स्विंग जितने मज़े लेने वो सारे ले लें, उसके बाद आखिर में जाके नहा करना। गर्मी बहुत है वैसे यहाँ पर और मज़ा बहुत आने वाला है यहाँ पर आज। ज़रा एनाकोंडा राइड के भी मज़े लें, ये देखें भाई, और हर जगह ही रश है, बस आ जाए अंदर चलते हैं। भाई अब आ गई है बैठने की बारी, यहाँ देखें लोग बैठते जा रहे हैं, लागे जाते जा रहे हैं। चले जी राइड शुरू हो गई है। अभी तो मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि एक ही झटका जो आएगा वही शॉर्ट्स है और वही चीज़ बनेगी जाकर, उसी में मज़ा आएगा। भाई ये राइड ख़त्म, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं और कितना कुछ है यहाँ पर करने के लिए। तो आप सिर्फ एक टिकट ख़रीदते हो और उसके अंदर सब कुछ फ्री हो जाता है, उसमें ये नहीं है कि इसका टिकट अलग से लेना है उसका अलग से लेना, नहीं। अच्छा ये ना ख़ासतौर पे जब ये अपने वाटर पार्क या जो एम्यूज़मेंट पार्क बनाते हैं उसके अंदर इन लोग थीम का भी बड़ा ख़ास ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी थीम रखते हैं। यानी कहीं पर आपको वेस्टर्न कल्चर मिलेगा, कहीं आपको ओल्ड कल्चर मिलेगा, कहीं आपको इनकी जो पुरानी तहजीब जिस तरह पक्के किले होते थे ये देखें यहाँ पर। तो ये अपना जो कल्चर है ना उसको भी नहीं छोड़ते, यानी चाहे जो लोग तफरी के लिए भी आ रहे हो ना उनको उनका जो स्ट्रक्चर है पुराना वो भी दिखा सकें। ये है भाई सबसे ख़तरनाक वाली, यहाँ की सबसे बड़ी राइड के लिए तैयार हैं लोग। रश देखें, तो रश की वजह से भाई ने तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, यहीं से बनाएंगे वीडियो।
तो कैमरे की इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों जाए यहाँ पर, तो आपको मज़ा नहीं आएगा तो भाई को कैसे मज़ा आ सकता है। तो अब चलते हैं बीच पर और वहाँ मज़े करते हैं। जब यहाँ पे हैं तो इस वक्त बीच पार्क में, मगर हम यहाँ के वीडियोस आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, आपको पता है ये वेस्टर्न माहौल है, तो मैंने सोचा था कुछ शॉर्ट बनाऊँगा आके, मगर भाई सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि बस ये देख लें, बस इस तरीके से जितना नज़र आ सकता है समझ जाएँ कि किस तरीके का माहौल होगा। देखिए पूरा वो जो है ना इनका स्पेनिश कल्चर वगैरह, वो जो इस तरीके से सज़ाएँ दी जाती थी, वैसे ही यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि पहले सज़ा किस तरह से दी जाती थी, क्या माहौल हुआ करता था, किस तरीके से स्पेनिश पीपल रहा करते थे, क्या ज़िंदगी थी पुरानी। तो कल्चर बड़ा नुमाया होता है इनके हर जगहों पे। तो भाई अब चल के कुछ तरह इतना घूमें और थोड़ी सी गर्मी भी हो गई तो खाना खाते हैं। अच्छा दोपहर में यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं ना वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि देखिए सब खाली है, उसकी वजह ये है कि ये दोपहर का खाने का वक्त है, मगर इतनी सख्त गर्मी होती है कि अक्सर बेशतर यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ना वो शाम के औकात में खुलना शुरू होते हैं, यानी 4-5 बजे के बाद से आपको जो रेस्टोरेंट्स में उसमें आपको टूरिस्ट और यहाँ के लोकल लोग हैं कुछ खाते पीते हुए नज़र आएँगे। तो भाई इस गली के अंदर है हमारा हॉस्टल, 15वां नंबर है। तो जी रूम में आ चुका हूँ, अब यहाँ पर कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद खाना खाना है और फिर सविला सिटी का टूर करना है। तो भाई ये देखें, ये माशाल्लाह से हमें एक अरबी होटल मिल गया है। माहौल चेक करें, बिल्कुल ये मोरक्कन माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, ये मोरक्कश है। और हमने ऑर्डर कर दिया, हमने जी ये मंदी होकर मंदी कर दी है जी, मंदी चिकन वाली है। जॉर्डन होटल है, अरबी है लेकिन मोरक्कन नहीं, मुझे मोरक्कन लगा था। और माशाल्लाह से देखें भाई आ गया जबरदस्त किस्म का, ये तकरीबन 15 यूरो की है, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है और भूख बहुत लग रही है। और हलाल मिले ना, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा चाहे कोई मसला नहीं, हलाल खाना है। तो भाई ये देखिए, ये मुर्गी उर्गी टूट गई है, क्या रशे निकल रहे हैं माशाल्लाह। बहुत स्पाइसी खाते हैं ये लोग, बहुत कम स्पाइसी खाते हैं, तो इसलिए आपको फ़र्क महसूस करना होगा। अगर मैं अरबी मुकाबले की बात करूँ ना, जो सऊदीया में खाई है उसके कंपेरिजन में तो है भाई ये मज़े की है। ये देखिए वॉलनट वगैरह, बादाम, पिस्ते, बादाम और काजू वगैरह डाले ना। तो भाई सेनोरिटा का डांस का टिकट ले लिया है और यहाँ पहुँच गए, और अभी तो शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो दिखाते हैं आपको सेनोरिटा का डांस। अच्छा भाई सेनोरिटा की परफॉर्मेंस हो गई, बहुत ही शानदार जानदार, मज़ा आ गया, मतलब वो कहते हैं ना फुल पैसा वसूल, सिटी मार वाली परफॉर्मेंस थी। और जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सेनोरिटा का डांस तो बहुत ही अच्छा था, मगर जो उसके साथ उसका ऋतिक रोशन था भाई, उसकी भी बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस थी, मज़ेदार परफॉर्मेंस थी। और एक मुझे लग रहा था 1 घंटे में बोर हो जाऊँगा यार, मुझे तो उससे वीडियो बनानी है, लेकिन ये पहली परफॉर्मेंस है जिससे मैंने सबसे ज़्यादा पसंद किया यूरोप में आकर, मज़ा आया है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मज़ा आया है, लेकिन वीडियो कंटेंट के लिए गया था, लेकिन यहाँ ख़ुद को ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और सबसे अच्छी बात, और जो सेनोरिटा है उसकी उम्र भाई 40 साल से ऊपर ही होती है यहाँ पर, यानी ये एक उसूल है इनका कि ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरत ही होगी क्योंकि परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी वही कर सकती है। और हाँ देखने वाले भी उसी उम्र के थे, बच्चे नहीं थे, तो मतलब मेरी उम्र के थे 40 साल 50 साल वाले, तो आप जैसे बच्चे बताइएगा यहाँ पर। भाई हमारी ये आ गई है और हमने ली है ये पोलो लोको से,
इस दुकान के अंदर गए थे हम और हमने देखा भाई मुख्तलिफ इकसाम की चॉकलेट। उन्होंने कहा हमारी जो बेस्ट सेलर है वो है मैंगो। ऐसा नहीं है कि वो आम लग नहीं रहा आपको, आम तो ओरिजिनल है पक्का। ऊपर से जो चॉकलेट की लेयर लगाई है ना वो बहुत अच्छी है, खोपरा भी अच्छा टेस्ट कर रहा है। ऐसी छोटी गलियाँ कराची में भी बहुत है, मगर आप बनाने वाले बने, बन जाती है, नीयत साफ हो ना मंजिल मिल ही जाती है। हमारी अली गलियों में कचरा मिलेगा आपको, गंदा पानी मिलेगा, पुख्ता रोड नहीं होंगे। अच्छा ये 90 मीटर ऊपर आपको एक डोरबेल नज़र आ रही है, ये कभी ना मस्जिद का मीनार हुआ करता था, यानी 1100 सन हिजरी के अंदर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। और इसका भी नाम तो ला ग्रांडा है, लेकिन उस वक्त की जो मॉस्क के नाम से मशहूर थी, और जो उसकी ब्रिक्स हैं ये तमाम के तमाम मुसलमानों ने ही इसको तामीर किया था। और इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो ये बिल्कुल आपको मस्जिद का फील देती है, जैसे ही रोशनी में थोड़ा सा फ़र्क आता है इसकी जो ब्रिक्स हैं, इसकी जो इमारत की दीवारें हैं वो अपना कलर तब्दील करना शुरू कर देती हैं। तो ये इसकी खसूसी बात है, इसको मज़ीद दिखाते हैं। ग्रांडा, ला ग्रांडा भी कहते हैं इसको। तो आपको दिखाते हैं कि जब मुसलमानों ने यहाँ पर राज किया तो क्या क्या तामीर किया था। स्पेन के शहर सेविला और कुर्तबा में मुसलमानों की तारीख चप्पे चप्पे पर धरी हुई है, और जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है उसका ये 1% भी नहीं है। मुसलमानों ने बहुत अजीम फतवाहत हासिल की, और उसके बाद अपनी नाकामियों और नाहलियों की वजह से एक अजीम सल्तनत खो दी। 14वीं ईस्वी के अंदर जब मुसलमानों का यहाँ से राज ख़त्म हुआ तो 16वीं ईस्वी को जा दी ला ग्रांडा आज जिसे कहते हैं हम, उसे मुकम्मल तौर पर क्रिश्चन रूप है, जिस तरीके से इनका किला होता है, जिस तरीके से इनका चर्च होता है, उस तरह से रूप में तकरीबन तब्दील कर दिया गया। अब भी कुछ हिस्सा इसका लगता है आपको मस्जिद जैसा, मगर काफ़ी हद तक ये आबाइयों की जो बाकियात है, जो उनका कल्चर है वो आपको इसमें नज़र आता है। इतना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर फन तामीर देखने के बाद और मुसलमानों की तारीख को करीब से यहाँ पर जांचने के बाद तो ऐसा लगता है कि मुसलमान अब भी वैसी ही हुकूमत कर रहे हैं जब इंदलस आबाद तक। अपनी अपनी मसलतें हैं, अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, और अपने अपने फ़ायदे, कोई इज्तमाही तौर पर अब भी नहीं सोचता। डेढ़ इनकी मस्जिद सपने बना ली है और सब अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही मार खाते रहेंगे हम, आगे चल के और दिखाते हैं मुसलमानों की तारीख बहुत है। अच्छा भाई, यही इसी के अंदर द रॉयल अलकाज़ार है जो बाग है अंदर बड़ा मशहूर, उसके लिए टिकट लेते हैं अभी। कोशिश मेरी ये है कि अंदर चला जाए, थोड़ा सा आपको रूबरू करवाएं ज़रा तारीख से, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टिकट लिए नहीं, दुआ करें टिकट मिल जाए बस। ये जो आपको टावर नज़र आ रहा है इसको अभी टावर ऑफ गोल्ड के नाम से पहचाना जाता है। ये 13वीं सदी में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तब मुसलमानों ने इसको ये बनाया था, और ये बिल्कुल जो दरिया है उसके बिल्कुल साथ मुंसलिक है, यानी इसे शहर का उस वक्त का कोना भी कहा जाता था। और उस वक्त इस दरिया का नाम था वादिल कबीर, और अब इसे द ग्रेट रिवर भी कहते हैं सेविला का, लेकिन ये उस वक्त जब बनाया गया था। जो इसका यह डोम नज़र आ रहा है ना, इसके वाले से कहा जाता है कि ये उस वक्त सोने का हुआ करता था। 13वीं सदी में बना, और जब मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही तो यहाँ पर मुसलमानों की तारीख तो वैसे नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है, जहाँ पर लोग टिकट लेके जाते हैं और अंदर जाके म्यूज़ियम की सैर वगैरह करते हैं और देखते हैं कि सेविला शहर आज जब मुसलमानों का राज था तो कैसा दिखता था। तो भाई बड़ा ही यादगार दिन रहा, रात हो चुकी है, कल दोबारा से सेविला यानी अंदलुस को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये सेविला स्पेन का बाज़ार है, लुंडा बाज़ार, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पुरानी मिलेंगी, लोग आगे बेचते भी हैं, ये देखें। तो यहाँ पर लोग पुरानी चीज़ें जब ख़रीदनी होती है, ये देखें इस्त्री पड़ी हुई, इस तरीके से दीगर सामान, हेलमेट, ये देखें पूरा बाज़ार में रश है, ये कैमरे वगैरह पड़े हुए हैं। इसी तरीके से आगे चलते जाएँ तो आपको सारी चीज़ें मिलती जाती है यहाँ पर। तो भाई लुंडा सब जगह मिलता है, बस आप ढूँढने वाले बने, आपको अच्छी चीज़ यहाँ भी मिल जाएगी।
अच्छा भाई, तो स्पेन के लोग जैसे हमारा स्पेशल नाश्ता होता है ना हलवा पूरी निहारी, तो इनका कुछ चोरोस के नाम का कुछ डिश है जो सुबह सुबह ये बड़े शौक से खाते हैं, तो उसी का नाश्ता करते हैं आज। थोड़ा रिवायती नाश्ते से हटकर भी काम करना चाहिए ना यार। अच्छा भाई, ये पांच आते हैं 5 यूरो में, तो ये बड़ा देखते हैं, ये पापड़ जैसे लग रहे हैं। दैट्स अ हॉट चॉकलेट, ट्राई करते हैं उसको। ये अपनी बहुत हलवा पूरी होती है ना, उस पूरी का जायका इसके अंदर है। मैं जैसे बना रहा हूँ, थोड़ी चीनी डली होगी उसके अंदर। अब जरा डिप लग कर निकालते हैं, ये डालिए। चॉकलेट का जायका सारा खेल है, चॉकलेट का जायका निकाला है इसका। जो चॉकलेट सिरप है ना, हॉट, बहुत मज़ा कर रहा है इसका। और ये समझ ले कि हमारे यहाँ जो मिलता है चॉकलेट पराठा, ये उस तरह का कुछ सीन है, लेकिन मज़े का है। थोड़ा महंगा है लेकिन सही है भाई। ये यहाँ का मशरूम्स म्यूजियम कहलाता है, क्योंकि उसको जो इन्होंने बनाया है ना, वो इस तरीके से बनाया है जैसे आपको मशरूम्स लगते हैं दूर से ये। और रात में बड़े ये जगमगाते हैं जब लाइट वाइट चलती है, लेकिन ये बने हुए बिल्कुल मशरूम्स की जगह तरह ही है। एक चीज़ ये आप देखेंगे कि आपको ना यहाँ पर कोई मुझे बड़े ब्रांड्स नज़र नहीं आए। मतलब होता है ना कि वर्साची, लुईस वुइटन, इसी तरीके से बड़े नाम भर ग्रामी क्लोथिंग ब्रांड्स हो, या ज्वेलरी के ब्रांड्स हो, या परफ्यूम के ब्रांड्स हो, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोकल चीज़ें नज़र आ रही हैं। लोकल मेड ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का सूट बना हुआ शादी के लिए। ज़्यादातर जो खुद के यहाँ के लोकल डिज़ाइनर हैं ना, उन्हीं का सामान बिक रहा है यहाँ पर, ये अच्छी बात है। अच्छा भाई, देखिए ये देसी नान कबाब के नाम से है, और ये सवेलिया के अंदर 2-3 ही ऐसे हैं जहाँ पर आपको हलाल फूड मिलता है। तो यहाँ पर आपको देखते हैं क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, देखें ये सारी चीज़ें ये तकरीबन सारी के सारी हलाल है माशाल्लाह से। और दूसरी बात, ये अपने एक कराची वाले का है, अपने कराची के हैं, वो भी खारा दर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेहमान है और उनका है। उनको जब मेरी उनसे बात हुई ओनर से, तो वो बड़े खुश थे कि कराची से कोई आया हुआ है, और उन्होंने कहा भाई आपने बस यही खाना खाना है। और यहाँ चिकन बिरयानी वगैरह भी बनती है, लेकिन शायद वैसी ना बने, लेकिन जब कराची वाले से मिलता है तो फील ही अलग आता है। तो ज़रा उनकी तबीयत ठीक नहीं ना, तो तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन जब कभी भी आए तो यहाँ पर आपने आके लाजमी ट्राई करना है, कराची वालों ने खुदूस। अच्छा भाई, जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है अगर सेविला की अगर मैं कहूँ, तो ये वो मकाम है प्लाजा डी स्पाना। और ये देखें बहुत बड़ा है, और ये सबसे बड़ी सेंट्रल अट्रैक्शन है, इसी को कहा जाता है। वो ज़्यादातर आपको जो तमाम टूरिस्ट हैं वो आपको यहीं पर ही मिलेंगे। बहुत खूबसूरत है, अंदर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर जो लेक है ना, यहाँ पर आप कश्ती चलाएँ अपने किसी भी दोस्तों के साथ, या किसी के साथ भी जब आए हुए कपल, वो कश्तियाँ चलाते हैं, और बहुत अच्छा रोमांटिक माहौल भी मिलता है, पुरसकून माहौल। और अंदर स्पेनिश म्यूज़िक भी आपका ज़रा इस्तकबाल कर रहा होता है। बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और बहुत बड़ी प्लेस है ये, यानी इसमें अगर आप घूमते जाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाने हैं, इतना बड़ा है ये। तो देखें अट्रैक्शन देखें ना, बहुत खूबसूरत है। और देखें तमाम कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, इसका सेकेंड फ्लोर है, और इसी तरीके से नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और ज़्यादातर जी सबकी कोशिश यही होती है कि तस्वीरें खिंचा लें, इस मौके से फ़ायदा उठा लें। तो हमने भी एक तस्वीरें खिंचवा ही ली है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सेविला आना है तो इस जगह पे आपने मस्ट आना है। No hay problema.
यहाँ का समझ लें कि सेंट्रल सेविला है। मतलब सेविला इतना बड़ा शहर है कि आप 1.5 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगा लेंगे, और कहीं से भी जाएंगे ये आपको गोल घुमा कर लेकर आएगा। अक्सर यूरोप में इसी तरीके के शहर होते हैं कि आप घूमते घुमाते हुए चलते, जैसे कराची है ना, अगर आप चलते जाएंगे तो शहर से दूर होते जाएंगे, लेकिन ये आपको इस तरीके से सर्कल में घुमाता है। लाहौर भी इसी तरीके का है कुछ के, क्योंकि गोरे ने डिज़ाइन किया है तो वो सर्कल ऐसा घुमाता है कि आप घूम कर उसी जगह पर तकरीबन करीब पहुँच जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो भाई अभी कॉफ़ी और केक पी लेते हैं। तो भाई कैपेचिनो ये लोकल है, और ये यार केक तो बहुत डिलीशियस है। 800 रुपये जो ऊपर की जो कोटिंग नज़र आ रही है ना आपको, मैं समझ रहा ये चीज़ होगा, स्मेल कर रहा चीज़ मेल्ट हुआ हुआ, लेकिन ये खोपरे की लेयर है भाई। वाह 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 वा। नीचे चॉकलेट है, फिर बिस्किट्स हैं, वाह बेहतरीन है भाई। भाई कॉफ़ी भी असली नस्ली है भाई, असली नस्ली है, मज़ेदार कैपेचिनो है, और केक तो भाई बहुत ही लाजवाब। तो जी सेविला से सफ़र का इख्तिताम हो रहा है, बस अब जाके अपना सामान उठाना है। 2 दिन से 3 दिन गुजारे हैं यहाँ पर, ये 2 से 3 दिन की वीडियोस आप एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त मैंने यही गुजारा है, और उसके बाद जो वक्त गुजारेंगे वो बार्सिलोना होगा। मगर अभी हम स्पेन से ज़्यादा दे रहे हैं, स्पेन के बिल्कुल बराबर में है पुर्तगाल, और वहाँ का है दारुल खिलाफा लिस्बन, तो वहाँ जा रहे हैं और सामान उठाते हैं। तो आपसे लिस्बन में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Sin el amor, sin el amor no hay vida. Sin el amor.